धन्यवाद केशव जी, आपके थोड़ा बीच आज का जो प्रोग्राम है जी आज का जो खास कार्यक्रम है गुलाम हुए कांग्रेस से आजाद, तो आपकी इस पर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि क्या हुआ आज तक, जो गुलाम अभी तक नहीं निकले लेकिन आप जो है निकल निकल के बाहर सभी जा रहे हैं और उसी कड़ी में जो है गुलाम जी भी शामिल हो गए हैं जी। देखिए कांग्रेस जो है एक इसमें कोई भी कांग्रेस साहब पार्टी में कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है और धीरे धीरे इसके वरिष्ठ नेता जो है इसकी जो है छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस की 70 साल तक मलाई खाई और आज ये आजाद हो गए, गुलाम से आजाद बन गए। तो देखते हैं आज सोनिया गांधी जी इनसे मिलने गए हैं और क्या इनका आगे रुतबा रहता है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत 70 साल तक मलाई खाई और आज कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, हम उसमें गुलाम थे तो आपने 70 साल क्यों रहे आप? आज जब बीजेपी काम कर रही है या नहीं कर रही है तो ये गुलामी आज महसूस कर रहे हैं या 70 साल इन्होंने पहले गुलामी महसूस की? लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से बातें करना और पूरे देश की, और कम से कम मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद भी काफी बार एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं और इनको बहुत बड़े पदभार जो है इनको दिया गया था कांग्रेस ने, लेकिन आज इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि गुलाम जी को अब आजाद हो गए लेकिन मुझे अब और गुलामी कांग्रेस में नहीं सहन होती है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन सर अगर देखा जाए कि इतने वर्षों में लगातार जो है मेहनत भी करते रहे हैं, अपनी छवि भी जो है साफ बनाई हुई है, बेदाग छवि रखी है, लेकिन जो चर्चाओं में जिस तरीके से गहलोत जी का नाम आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वो बनने जा रहे हैं, तो क्या गुलाम नबी आजाद नहीं बनाए जा सकते थे? उससे क्या पार्टी की इमेज पर फर्क पड़ता गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम चेहरा है इस कारण जो है पूरे देश भर में माहौल गर्म हो जाता है या फिर कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते, क्या लगता है? जी देखिए कांग्रेस में बहुत बड़ा असमंजस है इस वक्त और बड़े नेता छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये छोड़ के जा रहे हैं कि हम गांधी परिवार से दुखी हैं और हम आज गुलाम नबी आजाद जी ने भी यही बोला कि मुझे गुलामी नहीं सहन होती है, तो कोशिश कर रहे हैं जैसे आपने बात की कि अपने ग्लोज जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की ये सोच रहे हैं, अभी मीडिया में इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन आज सोनिया गांधी जी गुलाम नबी आजाद को मनाने गए हैं या बताने कुछ गए हैं कि आपको बड़ा पदभार दिया जाता है, हमें चाहे बाहर रखो लेकिन कम से कम कांग्रेस को बचाओ, अब तो इनका ये कि नारा रहेगा कि कांग्रेस को बचाओ चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि लास्ट टाइम जब लोकसभा में सिर्फ 42 सीटें ही आ पाई थी और एक बहुत बड़ी हार होती है एक राष्ट्रीय पार्टी की, और अभी बहुत सारी राज्यों में खत्म हो चुके हैं, आपके सामने ही है, इसमें बहुत सारे गिने चुने दो राज्य बचे हैं, उसमें भी उठक पटक चल रही है, तो कोशिश तो ये की जा रही है कि इस राजनीति इतनी बड़ी राजनीति पार्टी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है उसको बचाया जाए, तो शायद इसीलिए जो है इसका आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए गुलाम नबी आजाद से आज सोनिया गांधी जी मिलने गए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो कोई ना हमें पसंद नहीं आ रही है कि हम इतने साल गुलाम रहे और अब हम आजाद नहीं आजाद होना चाहते हैं, मतलब इन लोगों ने, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनका उन्हें सबने मलाई खाई और अब जब इनका टाइम आया और समय आया कि पार्टी को बचाया जाए तब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग आजाद होना चाहते हैं, तो ये अगर हम नाराजगी की बात करें सर, तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, वो भी नाराज हुए, शिवराज चौहान भी नाराज हुए, वरुण गांधी जी भी नाराज हैं, मेनका गांधी भी नाराज है, और आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की भी नाराजगी जो है वो भी जाहिर हो रही है, लेकिन वो लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि आज पार्टी का प्रभुत्व इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन वही नाराजगी जो कांग्रेस के नेताओं में जब होती है तो वो सीधा पार्टी छोड़ देते? देखिए आपका सवाल बहुत जायज है, यहाँ कांग्रेस नहीं बीजेपी में भी ये उठक बैठक चल रही है, जैसे अभी संसदीय कमेटी में से गडकरी और अपने अपने गडकरी जी और अपने दो दूसरे अपने शिवराज जी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, माना कि वो वहाँ पे
मुख्यमंत्री और अपने मंत्री बने रहेंगे लोक निर्माण विभाग के, लेकिन संसदीय कमेटी जो एक बहुत बड़ी कमेटी है उसमें से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपका सवाल जारी था, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये लोग भी अंदर खाते से ये पार्टियों में चलता रहता है, लेकिन बात ये है कि बड़े नेताओं को दरकिनार करना और ये बड़ी खतरनाक बात है पार्टी के लिए। लेकिन फिर चलो, आज के समय में बीजेपी का डंका बच रहा है, रूलिंग पार्टी है, तो हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि चलो अभी देर सवेर से ही हम भी हम मीडिया से सरोकार करते हैं, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सारे लोग ये सोचते हैं कि आज तो मैं बोलता हूँ कि जो नेता बनता वो सोचते हैं कि हम मलाई खाएंगे, तो ये भी चाह रहे हैं कि चलो जब तक हैं तब तक मंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, जब पार्टी का रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा फिर बोलेंगे कि नहीं जी मुझे से मोदी और अमित शाह की गुलामी नहीं होती है। ऐसा लोग ये भी बोल सकते हैं आने वाले समय में। ऐसा ही सारी ये जो है लोग हैं, इस तरह से आजकल राजनीतिक जो है इसका तो बात करना ही बड़ा अजीब सा लगता है कि इन लोगों की किन ये बात क्या बोला जाए। लेकिन हो सकता है कि अभी जैसे मेनका गांधी जी हैं, उनको भी अभी नाराजगी चल रही है, तो लेकिन ये रूलिंग पार्टी है तो तब तक ये सोच रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ हमारा भला हो जाए, हम चुप रह चुके हैं, पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, आराम से काम। लेकिन आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी ने बहुत बड़ी एक नाराजगी जाहिर की थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे और अमित शाह जी अपना आगे का 2024 का रास्ता साफ कर रहे हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन इसके ऊपर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आज जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो क्यों धीरे धीरे इतने बड़े नेता जो है छोड़ के जा रहे हैं। इसका मैं बहुत बड़ी बात सीधी सी है कि गांधी परिवार से लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी कांग्रेसियों को अब गुलाम से आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि यही बोल रहे हैं जैसे गुलाम राजनेता सिर्फ बचे हैं जैसे सचिन पायलट हमारे पास हैं, अब और जो दो तीन नेता हैं वो कांग्रेस के पास बचे हैं, जब वो लोग आ जाते हैं तो क्या कहेंगे आप इस पर कि कांग्रेस बिल्कुल ही जो है डूबती नैया है, इस पर कोई अब चढ़ना ही नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम निकल के जो है बड़े जहाज में चढ़ना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता भी हैं जिसमें कोई है नहीं है, जैसे फैमिली से कहते हैं कि अपने परिवारवाद से जो कुछ लोग निकले हैं, जैसे कि हमारे आप नाम ले रहे हैं पायलट जी हैं, अपने माधवराव सिंधिया बीजेपी में चले गए उठ के पटक कर के बाद, तो ये जो नेता थे जो कांग्रेस में थे इनका दरकिनार किया गया। ज्योतिराज सिंधिया जी वो बीजेपी में चले गए, तो कहने का मतलब उठ के बैठक करने के बाद ये चले गए, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो लोग इस तरह से कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इन लोगों की सुनाई नहीं होती या एक ही नेता को आगे बढ़ाया जाता है। अगर माना कि पार्टी में कमी आ रही है और इसमें कम समय नहीं है, कम से कम 10 साल से इसमें नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, तो कम से कम पार्टी को सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और लोग को बनाया जाए ताकि ये पार्टी जो बची रहे और इसको आगे हम लोग जो है आसानी से बढ़ा सकें। लेकिन ये जो दोनों पार्टियों में उठक बैठक चल रही है बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी पार्टी भी हमारी जो है जिसको कि आज बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी भी मुझे लगता है कि अभी ये पूरी तरह सक्षम नहीं है, इसका पूरे देश में कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गई है। पंजाब में इन्होंने कोशिश की है लेकिन अभी इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव कोई कुछ नहीं ज्यादा आया, तो लगता है कि ये भी फाइट में नहीं है। तो अभी देखते हैं कि आगे उठक बैठक में इसमें क्या क्या होता है और आगे कहां तक बात जाती है। जी लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस के जो अन्य लीडर हैं वो अभी केवल जो है परिवार पर ही केवल आश्रित हैं, कभी सोनिया गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना या फिर पलट के राहुल जी को, या फिर क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी भी चेहरा हो सकती है, प्रियंका गांधी भी चेहरा हो सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? नहीं देखिए, मैं आपको पहले बोला कि हम लोग मीडिया से हैं, पत्रकार आदमी हैं, तो हम तो सीधा सी बात है कि हम सभी का विश्लेषण करते हैं और सभी पार्टियों को हम बराबर रखते हैं। इन्होंने एक बार प्रियंका गांधी का यूपी में उत्तर प्रदेश में कार्ड खेला था, लेकिन आपके सामने कि क्या हर्ष हुआ वहाँ पे, तो अब तो मुझे लगता है कि ये प्रियंका गांधी का भी कार्ड नहीं खेलेंगे और अब देखते हैं आने वाले समय में सरकार या अपना जो कांग्रेस आई है वो क्या कर पाती है और अपने आप को कैसे
इस सदमे से या इस काम से या इस पार्टी को कैसे उठा पाती है। आज इनके पास सिर्फ मनाने के लिए और आगे बताने के लिए कोई इच्छा नहीं है, अब सिर्फ मनाने के लिए कामरेब है। आप गुलाम नबी आजाद जी को मनाने के लिए सोनिया गांधी जी गए हैं, तो ये भी एक गलत बात ही है कि इनके वरिष्ठ नेता जो है वो आज जो है रूठ रूठ के जा रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस में इतने अच्छे नेता हुआ करते थे, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। प्रणब मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, महामहिम रहे हैं, और इतने अच्छे नेता जो कि प्रधानमंत्री बनने के लायक भी थे, लेकिन उस टाइम में जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलाम नबी कश्मीर की अगर बात करें तो इनको बड़ा झटका नहीं लगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से बाहर हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है, और ऐसे वक्त में गुलाम नबी आजाद जी का बाहर हो जाना कांग्रेस से, ये कांग्रेस को बड़ा झटका नहीं है क्या जम्मू कश्मीर? हाँ बिल्कुल, इस वक्त राष्ट्रपति राज चल रहा है जम्मू कश्मीर में और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका गया है अपने जम्मू कश्मीर की तरफ से नहीं पूरे राष्ट्र की तरफ से है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जी एक छवि इन्होंने साफ रखी है और एक बहुत अच्छा चेहरा थे ताकि कांग्रेस उसको आगे ला सकती थी। इन्होंने बहुत बार गुलाम नबी आजाद जी ने बहुत बार कई बार बगावत की है कांग्रेस में, नहीं जी अध्यक्ष बदलो आप पार्टी को हमने चलाना, तो एक आपने सुर्खियों में देखा होगा कि बहुत सारे नेता इकट्ठे होके दूसरा एक गुट बन गया था, लेकिन तब भी चलो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो बीच में गुलाम नबी आजाद जी आते रहे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इन्होंने आप इस्तीफा सौंप ही दिया है। देखते हैं आज क्या होता है और आने वाले समय में। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इसी साल 2022 में गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था, तो कहीं ये वजह तो नहीं रही है कि जिस तरीके से भाजपा जो है कांग्रेस के जो अच्छे और ईमानदार जो सिपाही हैं, जो उनके नेता है, जो राजनेता, वो सम्मान दे रहे हैं, इस वजह से जो है कोई फर्क पड़ा हो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि तमाम जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भाजपा ने जो है सम्मानित किया है, उनको जो है अवार्ड दिए हैं, तो इसका कोई खास फर्क जो है पड़ा हो गुलाम नबी आजाद पर? और लग रहा है आपको कि गुलाम नबी साथी, मेरा दूसरा सवाल है, क्या आजाद जी बीजेपी में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए सम्मान एक अलग बात थी और हो सकता है, अब तो राजनीतिक समीकरण कहीं भी बदले जा सकते हैं, आपने देख रहे हैं कि क्या उठक बैठक चली हुई है, अभी भी महाराष्ट्र में क्या हुआ या दूसरे प्रदेशों में क्या हुआ, अभी उत्तराखंड में क्या चल रहा है, तो इस तरह से ये जो चीजें चल रही हैं इसके लिए अलग अलग से उठक बैठक चल रही है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ बचता है तो कांग्रेस को अपना पूरा कार्यकाल जो अगर आगे इसको बढ़ाना है और इस पार्टी को बचा के रखना है, तो जो हमारे पुराने नेता है उन लोगों को, इनको लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा। और जैसे आज गुलाम नबी आजाद जी ने बोला है, ये बड़ा एक दुखदायी और शर्मनाक बात है, 70 साल तक आप लोग इस पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन आप लोग जो है इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, और अगर बढ़ाया है मानते हैं कि इन लोगों ने बढ़ाया, लेकिन अब जब इसका बुरा वक्त आया तो इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी कांग्रेस के जो उसको सिपाही बोलते हैं उन सभी को आजाद कर देना चाहिए। हेमंत बिस्वा जी ने जैसे ही इस्तीफा आया उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी 7 साल पुरानी भविष्यवाणी जो है ये सार्थक हो रही है, वो तो ये भाजपा के नेता ही सिर्फ भविष्यवाणियां करते हैं क्या 10 साल 15 साल पहले? ये भविष्यवाणी जब भी कोई बात होती है कि हमने भविष्यवाणी 15 साल पहले की थी, 10 साल पहले ये पूरी हो रही है, हेमंत बिस्वा जी भी असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मौके पर नहीं चुके, और हालांकि तरीके तरीके के ट्रोलर्स ने भी जवाब दिए और कई जो है ट्रोलिंग तो होती है आप जानते हैं, तो इसके बावजूद जो है अब ये भविष्यवाणी मुझे लग रहा है कि अगर कल को वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कल को नहीं भाजपा का कोई और वरिष्ठ नेता ये आकर के ना कहते कि हमने भी भविष्यवाणी की थी कि आजाद जी आने वाले समय में भाजपा में शामिल होंगे। देखिए आज एक मैं आपको सही बताऊं कि जो युवा है वो राजनीति से बहुत हताश हो चुका है, और ये इनका कभी बीजेपी में जाना, कभी कांग्रेस में आना, कभी आप पार्टी में जाना या किसी दूसरी पार्टी में जाना, ये तो इन लोगों का आजकल खेल बन चुका है। एक बसें पूरी भर भर के कभी इधर भर रहे हैं, कभी इधर भेज रहे हैं, क्या ये नाटक है? ये राजनीति ऐसे थोड़ी चलती है। ये देखो कल भी कम से कम 4-5 बसें जो भर के वो कहीं और भेज दीजिए, अब ये इसके बाद हम वोटिंग करवाएंगे तो उसमें बहुमत साबित करेंगे, अपना महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ था और अभी भी आगे मुझे लगता है कि इस तरह से ही चलेगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं इसमें युवा बहुत हताश है,
और युवा चाहता है कि मैं इस पार्टी को से या सभी पार्टियों से दूर रहूं, तो आने वाला समय राजनीतिक जो ये उठक बैठक चल रही है इसमें मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। यहाँ पे आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें तो सभी पीएम की दौड़ में रह रहे हैं, क्योंकि अभी मोदी जी का कार्यकाल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 2024 के बाद उनका सिर्फ 3 साल बचेंगे, जो कि उनकी उम्र के हिसाब से है, जो उन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है कि हम 76 साल के बाद जो है हमारा कोई भी नेता जो है उसमें संवैधानिक पद पे नहीं रहेगा। तो उसमें एक चीज तो जरूर है कि उसकी दौड़ में अब आ गए हैं सारे, अब इसमें भी उठक बैठक आज से शुरू कर दी है 2022 से ही, ताकि जो हमारी ये राजनीति है वो संकल्प जो बना रहे, कौन इसमें आगे इसके बाद मोदी जी का वारिस कौन होगा, जोगी जी होंगे, गडकरी जी होंगे, शिवराज जी होंगे या अमित शाह जी होंगे, ये सारी चीजें जो है ये राजनीति में चलती हैं, मानते हैं चलती हैं, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से उठकर इन लोगों को देश के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अभी तो राजनीति सिर्फ जैसे श्रीलंका में हुई थी कि एक धर्म के ऊपर ही राजनीति करते रहे और एक परिवार ही करता रहा, और आज उसको श्रीलंका को पूरी श्रीलंका को नरक में धकेल दिया सारी जनता को। ऐसा न हो कि हम अपना धर्म बचाते बचाते इस देश को ना बचा पाए, ये बड़ी बात है आज की डेट में, क्योंकि वहां भी यही चीज हुई थी कि एक धर्म और एक परिवार ही पूरे राजनीति में था, और धर्म का नाम लेते लेते उन लोगों ने काम किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का कर रही है, कांग्रेस साहब मुसलमान का कर रही है, आम आदमी पार्टी धर्म परीक्षा कर रही है या कोई भी कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें धर्म और इस जो इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, ये राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, ये तो एक समाज का संस्थाओं का काम है, वो संस्थाएं करें ये काम, लेकिन यहाँ कौन करता है, राजनीति करती है। और राजनीति करने से क्या होता है कि हमारा जो ये एजेंडा है, जो मेन काम है, जो देश को चलाने का काम है, वो सारा अलग हो जाता है। तो हमेशा जिस तरह से श्रीलंका डूबा था राजनीति में धर्म के नाम पे और आज वो कंगाल हो गया, इसी की वजह से अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में हमारे भारतवर्ष में भी बहुत खतरनाक हो सकता है जो राजनीति आज के चल रही है। मुझे एक हिंदू होने के नाते गर्व है कि हम लोग इस देश में हैं और हम हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा सब लोग चाहे मुसलमान है, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी है, सारे सनातनी ही हैं और उसी धर्म से निकले हैं। धर्म के नाम पे राजनीति लेना, वोट लेना, ये बहुत गलत है और इसके लिए मैं हमेशा विपरीत ही रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों का मेन काम है विकास करना, देश को आगे बढ़ाना, अपना राजस्व बढ़ाना, अपना देश के रोजगार बढ़ाना, ये इनकी बात तो आज दिन तक मुझे लगता है कि 20 साल हो गए हुई नहीं है, सिर्फ एक ही बात हो रही है, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप कौन से धर्म से हैं, ये बातें हो रही हैं। ये राजनीतिक पार्टियों का बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो सिर्फ फायदा है कि हम देश के विकास के लिए बात करें, हमारी GDP कहाँ चली गई, हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है। कोशिश मोदी सरकार कर रही है, बहुत अच्छे प्रयास किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी जो अपनी पर्सनल सोच है कि मोदी सरकार सिर्फ एक धर्म की तरफ जा रही है, एक देश को आगे बचा के रखना, उसकी आंतरिक जो अपनी शक्ति है उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल है। और आज अमेरिका ने एक बड़ा संकल्प लिया है और हमेशा रहा है कि हम जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास सोना है, वो उसको बहुत कम हो गया है, प्रॉपर्टी पॉवर्टी सॉरी अपने हमारी जनसंख्या के आधार पर, तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो आज हम बड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपने बोला था, तो देखते हैं कि आगे आने वाला समय क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जो आज हम चर्चा करें उसके ऊपर सीधा आ जाए कि गुलाम नबी आजाद जी ने दो बड़ा एक शब्द बोला था कि मुझे अब गुलामी सहन नहीं होती, मुझे आजाद कर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बड़ा प्रोग्राम बनाए इस चैनल में कि सभी कांग्रेसियों को आजाद कर दिया जाए। जी सर, मैं एक और अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, गहलोत में अगर हम देखें, गहलोत और आजाद में जो है बेहतर नेता आप किसको मानते हैं, आप किसे समझते हैं कि बहुत बेहतर जो है जो काम कर सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर? क्योंकि गहलोत जिनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने, वो भी कई बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन गुलाम नबी आजाद में ज्यादा आप ऊर्जा समझते हैं कि वो ज्यादा ऊर्जावान हैं या फिर आपके जो है जो गहलोत जी हैं वो, आप दोनों में कैसे, आप दोनों को कैसे?
किसी भी मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ आपके तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं प्रश्न पूरा समझ नहीं पाया, फिर भी थोड़ा जो समझ आया मुझे मैं उसके ऊपर बोलना चाहिए। जी गुलाम नबी आजाद और गहलोत जी दो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इन दोनों में कैसे आप अंतर कर पाते हैं, आप कैसे समझते हैं कि दोनों में बेहतर सबसे कौन है और कौन जो है कांग्रेस को आगे लेके जा सकता है? देखिए कांग्रेस पार्टी का अब क्या उनका अपना रुतबा क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग, गांधी परिवार क्या चाहता है, क्योंकि जो गांधी परिवार चाहेगा वो ही अध्यक्ष बनेगा। तो गहलोत जी का नाम आया है अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन अभी गुलाम नबी जी आजाद जी बाकी हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, तो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी अगर कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए, मेरी जो मानना है तो कांग्रेस के लिए एक गुलाम नबी आजाद जी एक चेहरा बन सकते हैं, सभी साफ है, गहलोत जी की बुद्धि सभी अच्छी साफ है, लेकिन उम्र दराज के होने के वजह से मुझे लगता है कि वो एक अध्यक्ष पद का प्रॉपर उसका संचालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी दौड़ होती है और बहुत बड़ा एक कार्य होता है जिसको कि पूरे देश में चलाना होता है। लेकिन बड़े नेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, मतलब कि जब आज के दौर की अगर बात करें नॉर्मल से, कि लोग कहते हैं कि भाजपा से सर्टिफिकेट मिल गया एक तरीके से, ईमानदारी का, ईमानदार छवि वाले जो है राजनेता हैं कांग्रेस के, और उनको एक सर्टिफिकेट भी एक तरीके से मिल गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी कांग्रेस के मैं वही बात कर रहा था, वही पर मैं आता हूँ कि अब उनको अगर हम चाहे एक दूसरे नजरिए से भी बात कर लेते कि भाजपा के द्वारा भी उनको एक सर्टिफिकेट ईमानदार राजनेता का मिल चुका है, गुलाम नबी आजाद को 2022 में ही पद्म भूषण उनको जो है सम्मानित भी किया है केंद्र सरकार ने, तो उनको अगर ये जिम्मेदारी दी जाती तो इस पर आप क्या? मुझे आपका थोड़ा नेटवर्क की वजह से मुझे लगता है कि आपका पूरा मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं पद्म भूषण अवार्ड की बात कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, अब तो कोई दाग नहीं रह गया है, बेदाग चेहरा बन चुके हैं गुलाम नबी आजाद, तो गुलाम नबी आजाद जो है बेहतर संचालन नहीं कर सकते अगर होते नहीं कर सकते। देखो भारतीय जनता ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया हमेशा ही, और इसका सबूत गुलाम नबी आजाद जी हैं कि दूसरी पार्टी होने के नाते फिर भी इनको एक पद्म उसमें पुरस्कार में शामिल किया गया और उनको सम्मानित किया गया, तो ये चीज जो है चलो ये तो एक दरिया दिली होती है और है, और इसमें तो सारी चीजें देखी जाती हैं, जब कोई पुरस्कार दिया जाता है कोई उनको आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें हो सकता है अच्छी चीज देखी गई है, लेकिन एक चीज ऐसा था कि जब इनको दिया गया तो ऐसा मान रहे थे लोग कि अब गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस छोड़ के सीधे भाजपा में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी आज ये उठक बैठक चल रही है, इसको मनाने अब सोनिया गांधी जी गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या निर्णय जी। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े नमस्कार।